हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन हमारे नीट में ज़रूर आते हैं और आइसोमेरिज्म को हम अब यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल, दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दो तरह के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब जो इसमें हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसको समझना है और फिर स्टीरियो को समझना है। तो सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन हम देखें कि क्या होता है। ठीक है, डिफिनीशन ये होता है कि टू कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट एट लीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, दो कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के ही सेम हो, लेकिन कम से कम एक प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो डिफरेंट हो। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। यानी कि आइसोमेरिज्म तभी हो सकता है जब दो कंपाउंड ऐसे हो जिनके बीच हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उन दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कॉमन है लेकिन प्रॉपर्टी कॉमन नहीं है, सभी प्रॉपर्टी कॉमन नहीं है। ठीक, यानी एक दिमाग में अपने रख लीजिएगा कि आइसोमेरिज्म किसी अकेले मॉलिक्यूल में नहीं पाया जाता। आइसोमेरिज्म का मतलब है कि हमेशा हम कम से कम दो कंपाउंड के बीच के कंपैरिजन को देखेंगे और कंपैरिजन देखते समय हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होना चाहिए, तभी आइसोमेरिज्म एराइज हो सकता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हुए भी प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट हो रही है तो किस वजह से हो रही है? अगर वो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई, मैं बोलूं कि एराइजेस ड्यू टू स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर वह प्रॉपर्टी जो डिफरेंट हुई है, अगर वो प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के वजह से एराइज हुई है, तो ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और वो जो प्रॉपर्टी डिफरेंट हुई है, अगर वो एराइज हुई है, एराइजेस ड्यू टू पोजिशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेस का मतलब होता है कि थ्री डायमेंशनली अगर हम मॉलिक्यूल को देखें तो दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन उनका जो ग्रुप है उनका थ्री डायमेंशनल प्रोजेक्शन या थ्री डायमेंशनली ओरिएंटेशन वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोल देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सिर्फ ग्रुप का पोजीशन स्पेस में डिफरेंट हो जाने के वजह से प्रॉपर्टी अगर बदल जाए तो उसको हम नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दोनों को बारी बारी से देखा जाएगा अलग अलग वीडियो में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो हमारे कॉम्प्लेक्स में होता है, पहला होता है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा होता है आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक, तीसरा होता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। चौथा होता है आपका लिगेंड आइसोमेरिज्म। पांचवा होता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और छठा होता है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। छह तरह के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाने के वजह से आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन और पॉलीमराइजेशन टाइप के आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करने लगते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम पहला देखेंगे। फर्स्ट हम आज शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट। पहला पार्ट हम देख रहे हैं आपके, जिसका नाम है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को समझने के लिए सबसे पहले अब हम एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, प्लेटिनम NH3 Cl
बी आर एन एस थ्री का होल फोर सी एल बी आर और बी आर टू, ठीक है। प्लेटिनम एन एस थ्री होल फोर और अंदर लेते हैं सी एल टू और बाहर ले लेते हैं बी आर टू, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर ए। अगर मैं एक दूसरा कंपाउंड ले लूं, जैसे प्लेटिनम एन एस थ्री होल फोर सी एल बी आर और ब्रैकेट के बाहर सी एल एंड बी आर, ठीक है। और अगर मैं एक और कंपाउंड ले लूं सी, प्लेटिनम एन एस थ्री होल फोर और ब्रैकेट के अंदर बी आर टू और बाहर मैं कर दूं सी एल टू, ये तीन तरह के कंपाउंड आपके सामने हैं इस वक्त, ठीक है। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में डिफिनीशन ये है कि बोलते हैं कि इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आयंस आर नंबर आर टाइप्स ऑफ आयंस ऑब्टेंड, ठीक है। यानी कि दो या दो से अधिक कंपाउंड लिए जाएं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उनसे मिलने वाले आयन का संख्या अगर अलग अलग हो या मिलने वाले आयन का टाइप अलग अलग हो, तो ऐसे ऐसे कंपाउंड आपस में एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर कहे जाते हैं। जैसे अगर मैं पहले वाले को तोड़ दूं तो ये हमको देगा, अगर मैं जानता हूँ आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स को तोड़ते हैं तो बाहर होता है आयोनाइजेशन स्फीयर, ये चीज़ निकल जाएगा, यानी कि दो बी आर ये आयन दे देगा बाहर, टू बी आर माइनस। अगर बाहर दो बी आर माइनस गए हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है, तो उस सिंगल यूनिट के ऊपर उतना ही प्लस आएगा जितना इधर माइनस है, यानी कि अंदर बच जाएंगे पी टी एन एस थ्री होल फोर सी एल टू और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन आ जाएगा प्लस टू, तो ये हो जाएगा टू बी आर माइनस एंड दिस प्लस। अगर मैं इसको तोड़ दूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिएगा सबका सेम है, जितने प्लेटिनम इसमें है उतने ही बाकी में है, जितने अमोनिया है जितने क्लोरीन है जितने ब्रोमीन है, नंबर सबके सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये मिलेगा सी एल माइनस और बी आर माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस टू। अगर मैं इसको तोड़ दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस टू और प्लस ये हो जाएगा टू सी एल माइनस। तो आप देख सकते हैं पहले वाले ने टोटल आयन कितना दिया, टोटल आयन दिया दो, ये आयन है एक, ये आयन है तीन आयन, दूसरे वाले ने भी तीन आयन दिया है, ठीक है, और तीसरे वाले ने भी तीन आयन दिया, तो नंबर ऑफ आयन क्या है सब में सेम है, लेकिन टाइप्स ऑफ आयन से यहाँ पे अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिला है प्लस टू, यहाँ पे दो बी आर मिले हैं, यहाँ सी एल बी आर मिला है और यहाँ पर केवल सी एल मिला है, यानी कि टाइप्स ऑफ आयन सेम है, ठीक, सॉरी टाइप्स ऑफ आयन डिफरेंट हो गए। तो चाहे नंबर ऑफ आयन डिफरेंट हो जाए चाहे टाइप ऑफ आयन डिफरेंट हो जाए, तो उसको हम नाम दे देते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे, यानी कि ए बी और सी इनमें से कोई भी दो ले लिया जाए तो हम बोलते हैं वो आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाएगा, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि अगर ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक आउटर स्फीयर से आयन को अंदर भेज दिया जाए, एक या एक से अधिक आयन को आउटर स्फीयर से अंदर और उसी समय एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर कर देने पे दूसरा मिल जाए, जैसे अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो एक बी आर अंदर कर दें और एक सी एल बाहर कर दें तो दूसरा मिल जाएगा, इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर हैं। अगर हम पहले और तीसरे का कंपैरिजन करें तो दोनों बी आर अंदर करके दोनों सी एल बाहर कर देने पे ये मिल जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा भी क्या है आयोनाइजेशन आइसोमर है। अगर हम दूसरे और तीसरे का कंपैरिजन करें तो हम देख सकते हैं कि एक सी एल अंदर कर दें एक बी आर अंदर कर दें तो ये तीसरा मिल जाएगा, तो दूसरा और तीसरा भी क्या है आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक। तो इस तरह से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि इन दोनों में पहले सोचेंगे कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए करेंगे क्या कि आप देखेंगे कि दोनों में एक या एक से अधिक आयनों को अंदर बाहर कर देने से क्या दूसरा वाला मिल जा रहा है, अगर मिल जा रहा है तो उसको नाम दे देंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स ये पहला पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम देखेंगे हाइड्रेट आइसोमर्स, दूसरा है हमारा हाइड्रेट आइसोमर्स,
ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि हाइड्रेट आइसोमर का मतलब होता है कि दिस इज स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर। ये आयोनाइजेशन आइसोमर का ही एक स्पेशल केस है, इन विच एराइजेज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आउटर स्फीयर। ठीक है, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि यह एक आयनाइजेशन आइसोमर का ही एक केस है, लेकिन इसमें अंतर किस बात का होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आउटर स्फीयर। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे मान लो मैं एक कंपाउंड ले लूँ ए सी ओ एच टू ओ होल सिक्स और बाहर मैं ले लूँ सी एल थ्री, और एक कंपाउंड ले लूँ बी सी ओ एच टू ओ होल फाइव सी एल और बाहर ले लूँ एच टू ओ सी एल टू, ठीक है, और तीसरा मैं ले लूँ सी ओ एच टू ओ होल फोर सी एल टू और बाहर मैं ले लूँ सी एल एच टू ओ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिंपली अगर मैं इसको तोड़ूं तो तीन क्लोरीन और एक ये चार आयन मिलेंगे, अगर इसको तोड़ूं तो दो क्लोरीन और एक ये आयन, वाटर तो आयन मिलेगा नहीं, मिलेगा तीन आयन, तो नंबर ऑफ आयन डिफरेंट हो गया, तो एक दूसरे का आयनाइजेशन आइसोमर है ये। लेकिन हम इस तरह के आयनाइजेशन आइसोमर जिसमें आउटर स्फीयर में वाटर मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो जाए, अलग अलग, यहाँ से मैंने दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर किए हैं, टोटल छः था तो मैंने दो बाहर कर दिया, ठीक है, अलग अलग हो जाए, तो ये है तो आयनाइजेशन आइसोमर, लेकिन हमने क्या नाम दे दिया इसको, हाइड्रेट से इसका सेंस होता है वाटर मॉलिक्यूल से। यानी कि दो मॉलिक्यूल, किसी भी दो का कंपेरिजन करिए, अगर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, छः वाटर यहाँ भी हैं पाँच और एक, छः वाटर यहाँ भी हैं तीन क्लोरीन दो और एक, तीन क्लोरीन यहाँ भी है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, अगर इसको तोड़ा जाए तो इसमें तीन और एक चार आयन मिलेंगे, इसमें एक ये और दो ये, तीन ही आयन मिलेंगे, तो आपके साथ कन्फ्यूजन हो सकता है कि दिस इज टाइप ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लेकिन यहाँ पर एक भी वाटर नहीं है आउटर स्फीयर में और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो इस तरह के आयनाइजेशन आइसोमर को ही हम एक दूसरा नाम दे देते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यह स्पेशल केस होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, लेकिन इसका अलग नाम दिया जाता है वाटर मॉलिक्यूल की वजह से जो कि आउटर स्फीयर में पड़ा रहता है, उसके वजह से इसका नाम दे दिया जाता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो ये हमने देखा कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, और दो तरह के आइसोमेरिज्म हमने देख लिया, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।